मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। लगभग 5 दशक कांग्रेस में बिताने के बाद उन्होंने इस पार्टी को उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए देखा, लेकिन अब उनको ऐसा लगा कि पार्टी दिन पर दिन गर्त में जा रही है, सही दिशा पार्टी नहीं पकड़ रही है, और खासकर तब से जब से राहुल गांधी के हाथों में कमान गई है। और यही सब चीजें देखते हुए गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला कदम गुलाम नबी आजाद का क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन कयासों को उस वक्त और ज्यादा हवा मिल गई जब बीजेपी के कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के सपोर्ट में आगे आकर अपनी अपनी बात रखी और कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। हालांकि इन सब के बीच अब गुलाम नबी आजाद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि वो अभी फिलहाल कम से कम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और इसका ऐलान उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है। आजाद ने कहा, मैं कोई राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी जल्दबाजी में नहीं हूं, लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मैंने वहां जल्द ही एक इकाई गठित करने का फैसला किया है। यानी कि किसी नेशनल पार्टी को तो वो नहीं बनाने जा रही हैं, ना ही बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक इकाई यानी कि एक संगठन बनाने की वो जुगत में है और इसी के तहत वो आगे बढ़ेंगे। वैसे आपको बता दें, अपने इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद ने कई मुद्दों को हवा दे दी है। जैसे जो उन्होंने 5 पन्नों का इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा है, उसमें उन्होंने राजीव गांधी की तारीफ की है, संजय गांधी की तारीफ की है, इंदिरा गांधी की तारीफ की है, लेकिन जैसी बात आई राहुल गांधी की तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो राहुल गांधी को नागवार गुजर सकती हैं और बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है और बना भी रही है। खैर, इन सब के बीच कुछ खबरें ये भी कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है गुलाम नबी आजाद को, और ऐसा तब हो पाएगा जब वो बीजेपी में शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल आजाद ने साफ कर दिया है कि बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रही हैं। हाँ, अपनी पार्टी वो भी बहुत छोटे स्तर पर वो जरूर गठित करने जा रही हैं। 5 दशक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और उसके बाद गुलाम नबी आजाद का पार्टी को छोड़ना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनकी तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, पवन खेड़ा ने इस पर जरूर तंज कसा है। उन्होंने ये जरूर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अब आजाद हो गई है। देखा जाए तो जाते जाते अपने इतने वरिष्ठ नेता को रोकने के बजाय कांग्रेस अब इस पर भी सियासत करती हुई नजर आ रही है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।